भाई मेरे साथ हो गया स्कैम, इन्होंने लिए मेरे से पैसे इस म्यूजियम में आने के लिए। और वहाँ लिखा भी है, एक फैक्ट बताता हूँ ताजमहल का। ताजमहल ना दिखने में छोटा लग रहा, पर अब मैं आपको दिखाऊंगा काला ताजमहल और उससे रिलेटेड। यहाँ से एक पुल बनाया था कि इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखता। आओ तो मैं ले चलता हूँ ऊपर वाली नकली कब्र में। ये देखो भाई, नीचे इतनी भीड़ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, पर यही भीड़ यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो ये जो आप गेट देख रहे हो ताजमहल का, इसे मतलब काइंड ऑफ लेबर गेट बोलते हैं। मतलब उस समय में यहाँ से लेबर आती थी और कहते हैं कि इसके बाहर आज भी लेबरों की बस्ती है। अब ये यहाँ के गाइड बताते हैं, एग्जैक्ट मैं इस पर हामी नहीं भर सकता क्योंकि ये मेरे को कुछ हद तक गलत लगता है। पीछे है ताजमहल, ये है एंट्रेंस उसका। इस गेट के बाद भी एक गेट पड़ता है। अब मैं इसके ना गेट को आप चीज़ बताता हूँ जो एक फैक्ट है और जो कि यहाँ पे टूरिस्ट को मिसगाइड करता है। अगर ये आप ऊपर के पिलर देखोगे जो ये दिख रहे हैं ना, और ये पूरा काउंट करोगे ना, ये पूरा 22 है मिला के, सारे ऊपर नीचे गुम्बद मिला के, सारे ऊपर के सारे गुम्बद मिला के 22 गुम्बद है। अब इसके ऊपर कहानी बता दें कि 22 साल लगे थे ताजमहल को बनने में। ये इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई ठोस सबूत भी नहीं है। ये यहाँ पे गाइड बताते हैं, अगर आप नेक्स्ट टाइम गाइड करो तो उन्हें करेक्ट कर सकते हो कि भाई ऐसा कुछ कहाँ लिखा हुआ, ये बताओ। लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। एक फैक्ट और, ये जो आप फाउंटेन देख रहे हो ना, ये यहाँ से लेके वहाँ तक बोलते हैं कि 53 है। और ये जो आप गार्डन देख रहे हो, जैसे वहाँ एक गार्डन है, यहाँ एक गार्डन है, आगे एक गार्डन है, ये 16 है। तो बोलते हैं कि 16 मतलब 1653 में इसका ताजमहल कंप्लीट हो गया था बन के। तो ये एक सिंबल है कि 16 गार्डन 53 फाउंटेन, और ये जो आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा था 22 गुम्बद, मतलब 1653 में ताजमहल कंप्लीट हो गया था और पूरे 22 लगे थे। ये बकचोदी है, इसका कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, और ना ये कहीं लिखा है कि ऐसा इसलिए बनाया गया था, कोई मतलब नहीं है। अगर आप टूरिस्ट हो और अगर आते हो और गाइड आपको ऐसी कहानी सुनाता है ना, तो पूछो कहाँ लिखा है, किसने लिखा है। तो ये सामने है यहाँ का म्यूज़ियम, ताजमहल का म्यूज़ियम खुला हुआ, तो चलते हैं। टिकट तो वैसे ली है मैंने, अगर खुला होता तो आपको अंदर से दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, एक चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले देख लूँ वो वहाँ रखी है तो आपको बता दूँगा, नहीं रखी तो फिर तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। भाई मेरे साथ हो गया स्कैम, इन्होंने लिए मेरे से पैसे इस म्यूज़ियम में आने के लिए। और वहाँ लिखा भी है ताजमहल का म्यूज़ियम है ये, और टिकट में पैसे काट लिए, ऑनलाइन था तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि दोनों ही ले लेते हूँ। और ये बंद है मेरे से, फिर पैसे किस बात के लिए इन्होंने? अरे नहीं यार, इन्होंने पैसे सही लिए मेरे से। बेसिकली खुलता 9 बजे, मैं जल्दी आ गया। अगर मैं यहाँ पे 9 बजे तक रुका ना तो मैं दिखा दूँगा, और अगर जल्दी निकल गया तो कहानी सुना दूँगा। चलो एक कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। कहानी स्टार्ट होती है एक इटली के इतिहासकार, लेखक, फिजिशियन से, जिनका नाम था निकोलाओ मलूची। ये 16 साल की उम्र में भारत आते हैं और ये सबसे पहले अपना काम शुरू करते हैं मुग़ल सल्तनत में, आई थिंक शाहजहाँ के टाइम पे। अच्छा, ये लिखते हैं जो आपको नेट पे मिल जाएगा और आपने पढ़ा भी नहीं होगा शायद, ये मेरे मुँह से पहली बार इनका नाम सुन रहे होगे। अब ये लिखते हैं कि जो शाहजहाँ थे ना, वो क्या करते थे, या तो वो शाही कारों में बिज़ी होते थे, जो दरबार के कार्य होते हैं, जो राजाओं के निर्णय लेने होते हैं, या तो वो उनमें बिज़ी होते थे, और अगर वो उसमें बिज़ी नहीं है तो भाई इनकी एक महफिल लगती थी, 30-40 औरतें होंगी, उससे भी ज़्यादा होंगी क्या पता, जहाँ पे डांस होता था, नाच गाना होता था, शेर व शायरी होती थी, पोयम होती थी, तवाइफ आती थी, और हम बिस्तरी भी होती थी। और अगर शौक, अभी मैं आपको बताता हूँ कितने आगे तक जाता है, और अगर कभी इन्हें आगरा से, क्योंकि शाहजहाँ की जो संतुलन थी ना वो आगरा तक थी, मतलब आगरा तक क्या थी, एक्सपेंड भी किया था इन्हें दिल्ली तक, इनिशियल ये आगरा तक थी, और अगर इन्हें जाना भी होता था आगरा से बाहर कहीं किसी काम से, तो ये पूरा ये जो समूह था इनका, जो नाच गाने बजाने वाली है ना, इन्हें अपने साथ लेके जाते थे और जहाँ भी होता था, मतलब शाम को फिर अपनी महफिल लगाते थे। अच्छा, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ निकोलाओ मलूची, आप ये भी कह सकते हो भाई लिख दिया हो उसने, उसके मन में जो भी आया होगा, ऐसा नहीं है भाई। आप उसका नाम डालो तो उसमें लिखा भी आता है आज भी गूगल पे, ही इज़ द ओनली फर्स्ट हैंड विटनेस ऑफ मुगल एम्परर। तो निकोलाओ मलूची, जिसने बहुत करीब से मुग़ल सल्तनत देखी और बहुत करीब से शाहजहाँ को देखा और लिखा उनके बारे में, तो अब मेरा एक सवाल निकल के आता है, हमें जब भी हम ताजमहल का नाम सुनते हैं तो हमें दो चीज़ें याद आती हैं, एक तो शाहजहाँ और मुमताज़ का नाम एक साथ,
प्यार की निशानी ये शब्द एक साथ प्यार, तो ये कैसा प्यार था जहाँ शाहजहाँ की आई थिंक 7 बीवियाँ थी, कम ज़्यादा भी हो सकती है पर जहाँ तक 7 ही थी, ठीक है गूगल पे लगभग 5 आती है पर ऑलमोस्ट 7 थी उनकी वाइफ, ठीक है, जहाँ उनका एक अपना ही महफिलों की वो औरतें तवाइफें साथ रहती थी, तो ये प्यार कैसा था। अच्छा उसके बाद भी था कि औरंगजेब ने जब इन्हें कैद कर लिया था और लाल किले वगैरह ले गए थे, तो यार उसमें भी ये है कि भाई इन्हें 5000 औरतों के साथ ना, इनके जो हरम में ना 5000 से ज़्यादा औरतें थी, तो ये कैसी कैद हुई जहाँ पे तुम्हें 5000 से ज़्यादा औरतें मिल गई हूँ रहने के लिए। तो मेरा भी क्वेश्चन, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये कैसा प्यार है, और हमेशा हमें ताजमहल को एज अ सिंबल ऑफ लव ही क्यों दिखाया है, अगर आपको इसका रीज़न बताओ हो तो कमेंट करके बताना। तो अब सवाल ये है कि जो ये ताजमहल बनाया था उन्होंने, ये उनकी याद में बनाया था, उनसे प्यार में बनाया था, या कोई रही होगी मजबूरी से बनाने की, या उनकी इच्छा रही होगी इसे बनाने के लिए इसलिए बनवाया था। एक फैक्ट बताता हूँ ताजमहल का, ताजमहल ना दिखने में छोटा लग रहा पर ये कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा है, गूगल पे चेक कर लेना ताजमहल की हाइट मीटर्स में कुतुब मीनार से ज़्यादा आएगी। चलिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, अक्सर ऐसा हुआ वर्ल्ड वॉर टू और तो जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था तो इस ताजमहल को ना कवर किया गया था इसके चारों तरफ बैम्बू लगा के कि ये सैटेलाइट व्यू पे ना दिखे और ये क्षतिग्रस्त ना हो सके। और एक फैक्ट ये है, जो आप बेस देख रहे हो ना पूरे ये वाइट वाला बेस देख रहे हो, ये महागोज शायद उसकी लकड़ियों पे बनाया गया। रीज़न ये है कि इसके पीछे ना यमुना नदी है और यमुना नदी होने के कारण नदी के बहाव से ना ये ताजमहल को दिक्कत दे सकता था, तो स्पेसिफिक वो लकड़ी इसलिए यूज़ की गई, वो लकड़ी नमी से और स्ट्रांग होती है। तो ये जो बेस देख रहे हो जिस पर आप ताजमहल टिका हुआ है वो पूरा लकड़ियों का ही एक बेस है, उस पर ताजमहल बनाया गया था, महागोश की लकड़ी है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि जैसे जैसे नमी मिलती रहेगी वो उतनी ही स्ट्रांग होती रहेगी, इसलिए आज तक ये टिका हुआ भी है। ये खूबसूरत सा मकबरा, कहते हैं ना कि इसे बनवाने के लिए उसने हाथ कटवा दिए थे, ना ना हाथ बात नहीं कटवाए थे, अब वो बातें पता नहीं कैसे फैली कैसे नहीं फैली पर हाथ नहीं कटवाए थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा काला ताजमहल और उससे रिलेटेड कुछ एक कहानी, और अगर आपको डिटेल में जाना हो ना तो मैंने उस पर पूरा ब्लॉग बनाया एक, आप वो देख सकते। तो ये जो आप जगह देख रहे हो ना ये पूरी, ये है काला ताजमहल। अब जगह एक कहानी अनेक, तो देखो कहानियाँ है दो, तो मैं पहली बताता हूँ, ये बनाया था शाहजहाँ ने मुमताज़ बेगम के लिए, ठीक है सबको पता है, और जस्ट इसी के सामने अपोजिट में जहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था वीडियो में पहले, वहाँ वो ताजमहल काला ताजमहल बनवाना चाहते थे अपने लिए। ये उनका मकबरा था उनकी बेगम का, मुमताज़ महल का, और सामने वो अपने लिए बनवाना चाहते। ये थी एक कहानी। अब दूसरी कहानी ये थी कि गद्दी के लालच में जब औरंगजेब अपने बाप को मारने आया तो उसके लिए वो जेल घर बनवा रहा था। अब ये कहानी भी है कि वो काला ताजमहल नहीं था, वो जेल घर था जो कि बनवा रहा था औरंगजेब अपने पिताजी के लिए। ताजमहल के दोनों तरफ ऐसे जो आपको इमारत दिखती है, इमारत नहीं ये मस्जिद है, तो लिखा हुआ ना बाजू टैंक और ओनली फॉर नवाजीज, ये देखो सिर्फ नवाज पढ़ने वालों के लिए, वो यहाँ पे अपने हाथ पैर धो के फिर यहाँ नवाज अदा करते फ्राइडे को ताजमहल रहता है बंद। तो एक राइटर रहे थे पी एन ओक ने लिखा था कि ये जगह, एक किताब है उनकी ताजमहल इज तेजो महल, उनका कहना था कि यहाँ पे शिव जी का मंदिर था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ की परमिशन भी मांगी कि मैं यहाँ पे रिसर्च कर सकूँ, खुदाई कर सकूँ और बता सकूँ लोगों को कि यहाँ पे एक शिव मंदिर था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। ये कह गया कि मतलब शिव जी का मंदिर होने का तो प्रमाण नहीं मिलता यहाँ पे, पर ताजमहल होने का प्रमाण दिखता है सबको, और यहाँ पे और इसके पीछे कहानी भी है, लोग भी जुड़े हुए हैं काफ़ी कि हाँ ऐसा कोई था शाहजहाँ जिसने जगह बनाई थी, तो उन्हें रिसर्च की परमिशन नहीं मिली। तो यार तुम्हारे हिस्ट्री का टीचर तो हूँ नहीं मैं, और वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पस है कि आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आओ तो पहले सिर्फ फ़ोटो खींच के ना निकल जाओ, थोड़ा सा तो अपनी कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका कटे ना कि कोई भी आके कुछ भी कहानी सुना दे, फिर आप कहीं चालों की भैंस में बोल दो ऐसा था, फिर वो आपका मजाक बनाए और फिर आप वहाँ पर मात्र एक हंसी का पात्र बने रह जाओ। तो इसलिए थोड़े बहुत फैक्ट्स मैं बता देता हूँ, बाकी थोड़े बहुत आप गूगल कर लिया करो, अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर दिया करो या पूरी देख लिया करो, शेयर तो चलो छोड़ो, मेरे को जहाँ तक लगता है ना तुम लोग पूरी भी नहीं देखते। तो मैं कसम है खुदा की ऊपर वाले की, मुझे सच बताना जो मैं अभी फैक्ट बताने वाला हूँ ना, ये फैक्ट कितने लोगों को पता था। तो फैक्ट ये है कि ये थी नदी
जो कि है, दिख नहीं रही उसकी वजह से, ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस था, तो हम वहाँ देखते, वो नहीं है, ये है मेन एंट्रेंस। ये बात किसे बताती है? तो बेसिकली जब मुमताज़ महल ने अपने मरने से पहले, वो एक जन्नत का ना बखान करती थी कि मेरे को जन्नत ऐसी दिखती है, जन्नत में ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो बखान करती थी। तो यहाँ से ना, ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे आगे, यहाँ से एक पुल बनाया था कि इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखता था, पुल था, वहाँ से आते थे शाही लोग सारे, यहाँ से आते थे। तो अब तो नदी वदी चली गई, वो पुल वुल भी खैर वो बहुत पहले टूट गया, तो इसलिए उन्होंने ना इस साइड इसका एंट्रेंस रखा था, लुक ज़्यादा अच्छा यहाँ से आता था। ये जो आप लाल रंग की बाउंड्री देख रहे थे ना, ये लाल किला है। तो यहीं से कहते हैं कि वो दीदार करता था ताजमहल का शाहजहाँ, जब उसके बेटा औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया था। पर मेरे को थोड़ा लॉजिक नहीं लगता है इसमें, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 5,000 बंदियों के साथ वो कैद था, बड़ा टाइम था उसे बैठ के यहाँ ताजमहल देखने का, बस लिख दिया लोगों ने, अच्छा लग रहा था लिखने में। आओ तो मैं ले चलता हूँ ऊपर वाली नकली कब्र में, जो ताजमहल के अंदर कब्र रखी ना उसके अंदर। आई थिंक वीडियो अलाउ नहीं, तो शांति रहूँगा। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, आप पूरे ताजमहल में ऐसे डिज़ाइन हो रखी है, इस डिज़ाइन को बोलते हैं पेरू डोसा, और ये इटालियन डिज़ाइन है। ये जो आप स्पेसिफिक कलरफुल डिज़ाइन देख रहे हो, ये पूरी इटालियन डिज़ाइन है। ये जो लिखी हुई है, ये आयते लिखी हैं, कार्व की हैं, मतलब पत्थरों को काट के फिट किया है, इंक और स्याही किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये कार्व की गई हैं अरेबिक में, कुरान की आयते हैं। अगर आप लोग आते हो और आप लोगों को पता नहीं होता कि क्या लिखा क्या नहीं, और लोग यहाँ ट्रांसलेट भी नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो भाई, नीचे इतनी भीड़ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, पर यही भीड़ यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अलग से पे किया है इस चीज़ के लिए। अगर आप मेरे को रेगुलर देखते होगे, मेरी वीडियोज़ देखते होगे, तो आज आपको ये पता होगा, मुझे बोलना नहीं पड़ा होगा कि ये डिज़ाइन क्यों है, ये वाली जो डिज़ाइन है ना, ये किस लिए बनी है, कहाँ से इसका इंस्पिरेशन आया। ठीक है, तो अब जो लोग नहीं देखते यार, उनके लिए फिर से बता देता हूँ। बेसिकली ये डिज़ाइन सबसे पहले, मतलब पर्शियन डिज़ाइन है, सबसे पहले हुमायूं टॉम में यूज़ हुई थी, वही सबसे पहला एक मकबरा था जो बना था, और उसके बाद सब जगह कॉपी हुई है। इतनी कॉमन डिज़ाइन है, आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह। ये इनफैक्ट ताजमहल में नहीं, और भी हिस्टोरिकल जगह पर आपको ये डिज़ाइन मिलेगी ही मिलेगी। सो बेसिकली जो ताजमहल के आप चार मीनार देखते ना, एक एरी और जो चार, जैसे आपको पता भी वो भी है, तो ये ना बाहर की तरफ बनी हुई है कि कभी जैसे बनाया इसलिए गया था ये सोच पे कि अगर भूकंप आएगा ना तो ये बाहर गिरे, ये उल्टा इस इमारत को हार्म ना करे। तो ये मैं आपको एक बार बाहर से भी दिखाऊंगा कि ये सच में थोड़ी टिल्ट बनी, थोड़ी बाहर की तरफ गिरी हुई बनी हुई है ये चारों मीनारे। मेरे को नहीं पता वीडियो कितना जस्टिफाई कर रही होगी आप लोगों के लिए, पर ये इमारतें सच में बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई हैं, ये फैक्ट आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो। मुमताज़ ना अपने 13वें बच्चे को जन्म दे रही थी, और उनका ना लेबर पेन अराउंड कुछ 30 घंटे तक का चला था, और 13वें बच्चे को जन्म दे देते थे वो चल बसी। और उन्होंने शाहजहाँ से एक वादा लिया कि आप दूसरी शादी नहीं करोगे, और हम बिस्तरी का तो कौन ही वादा लेता है, आप दूसरी शादी नहीं करोगे। पर वो मरी ना, तो उनकी जो डेड बॉडी को वो ले जाएंगे आप बुहानपुर, आई थिंक MP या UP की बॉर्डर पर पड़ती है जगह, वहाँ ले जाएगा इनकी बॉडी को, वहाँ रखा, फिर ताजमहल का काम स्टार्ट हुआ। तो हम ताजमहल में घुसते ना, जहाँ पे वो गार्डन जो मैं आपको दिखाते वीडियो में आगे, फिर उनकी बॉडी को वहाँ दफनाया क्योंकि ताजमहल बन रहा था, और जब फिर ताजमहल पूरा बन गया तो ताजमहल के अंदर दफना दिया उन्हें। 9 बज चुके हैं, म्यूज़ियम का हो चुका टाइम, चलते हैं म्यूज़ियम में वो चीज़ दिखाने जिसके लिए मैं आया था आप लोगों को दिखाने के लिए फटाफट, और यहाँ से निकलते हैं जल्दी, ऑफिस ब्लॉक करते हैं ख़त्म, लंबा नहीं खींचेंगे, आप लोग तो वैसे ही पूरा देखते हो नहीं। देखो यार, उस म्यूज़ियम में मैंने तुम्हें दिखाया था स्वॉर्ड, क्योंकि अंदर वीडियो बना नहीं सकते, मैंने चुपके से बना ली। तो तलवारें थी नॉर्मल, आपको हर जगह दिख जाती है, जो एक बड़ा सा बर्तन था ना, तो वो बर्तन था, मतलब जैसे कि किसी ने खाने में अगर जहर मिला रखा है ना, और उस बर्तन में अगर डालोगे तो बर्तन रंग बदल देता था और या टूट जाता था, तो ऐसा लिखा भी है वहाँ पर। और जो गोल्ड का कॉइन दिखा रहा था ना, तो वो गोल्ड कॉइन शाहजहाँ के टाइम पे चलते थे, और मैंने जो कॉइन्स लाइन से दिखाए हैं शाहजहाँ के टाइम पे चलते थे, और लगा लो वो एक गोल्ड कॉइन 200 यूरो का। मैं बड़े बड़े आपको चिट्ठे दिखा रहा था ना, वो फरमान थे कि पुराने ज़माने में फरमान कैसे जारी होते थे,
तो ये था म्यूज़ियम जो मैं दिखाना चाह रहा था, क्योंकि बेसिकली वीडियोस अलाउ नहीं होती, और तो मैंने डाल दिया। अब आप देखो, चलो मैं ब्लॉग को करता हूँ ख़त्म। सही लगे तो देखो, मज़े करो।